समंदर का बड़ा सिकंदर बनने की ओर भारत। फ्रांस ने भारत को दे डाला सबसे बड़ा ऑफर। भारत ने की अब तक की सबसे बड़ी डील। भारत आने वाले हैं फ्रांस के विनाशक 6 बड़े परमाणु हथियार। दोस्तों, हमने आपको कल ही बताया था कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है, जिसमें दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देंगे। दरअसल इसमें अमेरिका चीन को जवाब देना चाहता है। भविष्य में चीन जब भी कभी अमेरिका के खिलाफ माहौल बनाएगा, तब अमेरिका इन पनडुब्बियों के जरिए चीन पर दबाव बना सकता है। युद्ध हुआ तो तुरंत प्रभाव से हमला करने की योजना यहाँ से बनाई जा सकती है। इसमें भारत का भी इनडायरेक्टली फायदा है कि इन पनडुब्बियों के जरिए चीन पर दबाव बन रहा है। हालांकि दोस्तों, भारत के साथ यहाँ पर बड़ा गेम ये हो गया कि अमेरिका ने इसके लिए भारत को नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया को चुना। अब यहाँ पर दूसरा एक और मामला है कि ये सबमरीन पहले ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से खरीदने वाला था। क्या अमेरिका की वजह से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच ये मेगा डील कैंसिल हो गई? इस वजह से फ्रांस अमेरिका से अच्छा खासा खपा है और इसी नाराजगी में फ्रांस ने वो काम कर दिया है जो भारत के लिए बड़ा फायदा लेकर आया है। हालांकि इसका संकेत फ्रांस भारत को पहले ही दे चुका था। फ्रांस ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में ताकतवर बनाने और अमेरिका चीन को जवाब देने के लिए 6 महाबली परमाणु हथियारों का ऑफर दिया है। पर वास्तव में भारत को जिस तकनीक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो तकनीक अब फ्रांस ने खुद ही ऑफर कर दी है। इससे चीन को तो झटका लगा ही है, साथ ही अमेरिका को भी झटका लगा है, क्योंकि इस तकनीक को देने से अमेरिका भारत को कई सालों से नजरअंदाज कर रहा था। चलिए आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज को लेकर आपको बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। आखिरकार फ्रांस ने भारत को दे डाला तोहफा। फ्रांस भारत को देने वाला है 6 परमाणु हथियार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारतीय नौसेना ने मोदी सरकार से API/3 अटैक पनडुब्बियों की मांग की थी और इसके एक दिन बाद ही फ्रांस ने भारत की ये जरूरत पूरी कर दी है और भारत को 6 बड़ी परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। साथ ही भारत को बारकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बी और उसकी तकनीक का भी ऑफर मिला है। हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच ठीक वही समझौता होने वाला है जैसा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, जिसे ऑकस समझौता कहा जा रहा है। इस समझौते का क्या नाम होगा, इसका ऐलान होना बाकी है। दोस्तों, ये समझौता ही चीन के लिए बड़ा झटका साबित होगा। दरअसल फ्रांस ने भारत की जरूरत को देखते हुए 6 परमाणु पनडुब्बियों का ऑफर दिया है। भारत के लिए ये सबसे बड़ी डील होगी। फ्रांस की तरफ से भारत को दिया गया ये ऐसा ऑफर है जिसके बाद चीन के होश उड़ना तो तय है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लगी भारतीय नौसेना को फ्रांस की तरफ से बेहद अत्याधुनिक 6 परमाणु पनडुब्बियां दी जाएंगी। अगर नौसेना इस डील के लिए हामी भर देती है तो ये अभी तक की सबसे बड़ी डील होगी जो भारत और फ्रांस के बीच होगी। दोस्तों, जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक फ्रांस ने भारत के उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की पेशकश की है जिसके बाद 6 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा फ्रांस ने बारकुडा क्लास परमाणु पनडुब्बी से पारंपरिक टेक्नोलॉजी को भी शेयर करने का प्रस्ताव दिया है। ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अब परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। दोनों ही देश चीन की आक्रामकता से तंग आ चुके हैं। दरअसल प्रोजेक्ट 75 अल्फा प्रोग्राम के तहत भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बियों को हासिल करने का मन बनाया है। फरवरी 2015 में भारत सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। इन पनडुब्बियों को भारत में ही तैयार किया जाना है। साल 2023-2024 में इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। इन पनडुब्बियों को भारत में ही तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। तय कार्यक्रम के तहत साल 2032 में पहली पनडुब्बी को नौसेना को सौंपे जाने का लक्ष्य है। फ्रांस की तरफ से जो ऑफर भारत को दिया गया है उसमें बारकुडा क्लास पनडुब्बी के डिजाइन पर ही नई पनडुब्बी तैयार की जाएगी।
नई पनडुब्बी में पंप जेट प्रपल्शन होगा। अब बारकोडा क्लास की पनडुब्बी कितनी घातक होगी ये जान लेते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन लाएगी ड्रैगन की शामत, अब पानी से होगा चीन के मंसूबों पर बात। दोस्तों, भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त फ्रांस हिंदुस्तान को एक ऐसी पनडुब्बी देने को तैयार हो गया है जिस पर हिंदुस्तान की अरसे से नजर थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने बारकोडा क्लास की सबसे मारक पनडुब्बी भारत को देने की पेशकश कर दी है। दरअसल हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल को रोकने के लिए हिंदुस्तान को ऐसी ताकत की जरूरत है जो चीन के हर जंगी मंसूबों को जल्द समाधि दे सके, और इसमें बारकोडा क्लास वाली पनडुब्बी चीन के हर सवालों का जवाब मानी जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि बारकोडा क्लास की सबमरीन्स को जो कंपनी बनाती है उस कंपनी ने ऑलरेडी भारत के साथ अच्छे संबंध बना रखे हुए हैं। यानी कि भविष्य में इतनी अत्याधुनिक सबमरीन्स को जो कि परमाणु ऊर्जा से चलती है, जिनको रिफ्यूज करने का कोई झंझट नहीं होता है, जिनको कि एक से दूसरी जगह ले जाने में कोई समस्या नहीं होती है, उनको मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए भी आगे कार्रवाइयां हो सकती हैं। बारकोडा क्लास की पनडुब्बी चीन के लिए कार साबित होगी। ये चीन को दक्षिण चीन सागर तक ही समेटने की तैयारी है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर तक और फिर मलक्का स्टेट समेत चार समुद्री गलियारों तक चीन को उसकी मांद में रखने के लिए हिंदुस्तान को बारकोडा परमाणु पनडुब्बी की सख्त जरूरत है। बारकोडा क्लास की पनडुब्बी से चीन क्यों घबराता है, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। फ्रांस में बनी ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है। इस परमाणु पनडुब्बी का वजन 4,765 टन है। इसकी लंबाई करीब 100 मीटर जबकि स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज लिमिटेड और ये समंदर के अंदर 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है। इसमें 60 क्रू मेंबर्स सवार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पनडुब्बियां अलग अलग तरह की मिसाइलों और टॉर्पिडो से हमला भी कर सकती हैं। ये न्यूक्लियर सबमरीन 533 mm टॉर्पिडो से लैस हैं। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल दाग सकती हैं, जो 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। एसोसेट एंटीशिप मिसाइल से भी लैस है, जो 50 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। तो वहीं हवा से आने वाले एक से अधिक खतरों को नेस्तनाबूद करने के लिए माइका मिसाइल सिस्टम से भी पनडुब्बी लैस है। वहीं फ्रांस इस पनडुब्बी को लेकर तकनीक ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मौजूदा वक्त में भारतीय नौसेना के पास एक ही बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत मौजूद है। स्पेशल मिशन के लिए बनाई गई ये पनडुब्बी भारत के 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की रखवाली करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि भारत इन दिनों रूस के साथ चक्र सीरीज की दो पनडुब्बियों को लीज पर लेने के लिए बात कर रहा है। इसलिए भारत को ऐसे परमाणु पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है जो AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर सके और समंदर के नीचे महीनों छिपकर मिशन को अंजाम दे सके, और इस मिशन को ये पनडुब्बी बखूबी अंजाम दे सकती है। ये पनडुब्बी माइका मिसाइल से लैस है, जो इसे अजेय बनाती है। हालांकि भारत पहले से ही परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का संचालन करता रहा है। इतना ही नहीं, भारत अपने खुद की परमाणु पनडुब्बी बनाने की योजना बना रहा है, जिसे पहले ही सरकारी मंजूरी मिल चुकी है।